हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रूथ हार्विट्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब आपके प्रीवियस ईयर गेट के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे भाई सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं भाई, द नंबर ऑफ रूट्स। रीड करिए जल्दी से जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एस की पावर 7 प्लस एस की पावर 6 प्लस 7 एस स्क्वायर प्लस 14 एस की पावर 4 प्लस 31 एस क्यूब प्लस 73 एस स्क्वायर प्लस 25 एस प्लस 200 इन द ओपन लेफ्ट हाफ ऑफ द कम्प्लेक्स प्लेन इज। ठीक है, तो आपने इसमें ये बताना है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पोल कितने होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपके पास मीन्स आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, जस्ट हम इसका यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके आपकी नंबर ऑफ पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे बता देंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई साइन चेंज होगा तो इसका मतलब उतने पोल इसके राइट हैंड साइड पे होंगे। ठीक है, तो टोटल पोल अगर मैं बात करूँ, टोटल पोल कितने होंगे राजी? टोटल पोल्स इसके अंदर होंगे 7, जिसका जितना इसका ऑर्डर होगा ठीक है उतने इसके अंदर पोल रहेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एस की पावर 7 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा भाई क्वेश्चन, क्योंकि 7th ऑर्डर आपके पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑड वाली पावर के कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे, एस की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना, 1 है। ठीक है, फिर 5, फिर 3, फिर 1 वाला। ठीक है, चलिए मैं टिक कर देता हूँ, ये कोफिशिएंट आपने सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, चलिए तो 1 है, फिर 7 है, फिर 31 है, फिर 25 है, नीचे कितना आएगा भाई? अब ये इवन वाले लिख लो भाई। ठीक है, तो ये इवन वाले हम लिख लेंगे, 1, 14, नेक्स्ट कितना है, 73 है, नेक्स्ट है 200। ठीक है, एक के नीचे एक लिखना है। ठीक है, अब एस की पावर 5 की हम कॉफिशेंट यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो एस की पावर 5 के कॉफिशेंट कैसे आएंगे, 1 × 7 माइनस 1 × 14, तो 7 − 14 कितना हो जाएगा, -7 डिवाइड बाई ये फर्स्ट वाला है ना 1, तो कितना आ जाएगा भाई बोलो, -7। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालना है जी, हाँ भी यहाँ पे जो वैल्यू होगी रहे वो यहाँ से निकलेगी, वो 1 को 31 से माइनस करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो 1 × 73 और डिवाइड बाई कर दो 1। ठीक है, तो कितना होगा, 31 − 73। तो जल्दी से भाई कैलकुलेटर अपना निकाल के रखो और बताओ कितना आ रहा है, 31 − 37। ठीक है, −42, तो −42 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 200 से और डिवाइड बाय दिस। ठीक है, तो कर दीजिए भाई 25 − 200, जो सिंपल है भाई 175 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 1 करना है ना, अब इसके बाद कोई फैक्टर बचा नहीं है तो इसको 0 लिख दो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फिर हम निकालेंगे एस की पावर 4 के कोफिशेंट। ठीक है, तो एस की पावर 4 के कोफिशेंट कैसे निकलेंगे, −7 × −14, यहाँ पे लिख देता हूँ −7 × 14 −1 × −42 डिवाइड बाई फर्स्ट कॉलम का आपका नंबर। ठीक है, −7। ठीक है, तो जल्दी से भाई निकालो इसका आंसर कितना आएगा, एट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे जो फैक्टर होगा उसको निकाल लेते हैं। चलिए मैं इसको ये वाला फैक्टर की बात करता हूँ, ये कैसे निकलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसको इसके साथ डिवाइड बाई दिस, तो कितना होगा, −7 × 73 −1 × −175 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा राजी, −7। ठीक है, जल्दी से फटाफट करो भी कैलकुलेट इसको। हाँ जी, कितना आ रहा है, 7 × 73, इसमें प्लस कर दो 175, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दो -7 के साथ, तो 48 आ गया जी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 48। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वाला निकालो भाई, तो नेक्स्ट वाला कैसे निकलेगा, नेक्स्ट वाला 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, लेकिन नीचे 0 है, अगर नीचे 0 मिल गया तो राजी एज इट इज आपका
200 ही आपने लिख देना है, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लो -7 × 200 -1 × 0 डिवाइड बाई -7। ठीक है, तो -7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा और 200 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो एस की पावर 3 के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं भाई। तो जल्दी से निकालो भाई, फर्स्ट फैक्टर कितना आ रहा है एस की पावर 3 के कोफिशिएंट देखते हैं भाई। हाँ जी, 8 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखो कितना आ रहा है। हाँ जी देखें, चलिए तो -42 × 8 336, इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस है ना, -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 × 48, तो आंसर आपका भी 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आप सेकंड फैक्टर निकालिए, वो कैसे निकलेगा, 8 × -175 हो जाएगा -7 × 200। ठीक है, तो देखो निकालो उसको कितना आ रहा है भाई, 175 × 8 1400, और दूसरा भी 1400 है, तो जब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 आ गया, इसके बाद तो कोई फैक्टर बचा नहीं है, वो भी 0 है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या मिल गया राजी, यहाँ पे रो ऑफ जेड, इसको क्या बोलेंगे राजी, रो ऑफ जीरोस। ठीक है, रो ऑफ जीरोस मिल गया। ठीक है, इसका मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट रो ऑफ जीरो के ऊपर जो इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं राजी, एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, एस की पावर 4 का कोफिशियंट है, मीन इवन पावर का हम कोफिशियंट लिख देंगे, ए की पावर एस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 8 s की पावर 4 +48 s² + 200। ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी। हाँ, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता रहा जी, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, DAS/DOS कितना आ जाएगा, 32 s³ प्लस, हाँ जी, 48 × s 96 s। ठीक है, +0, ओके हो गया भाई यहाँ तक बोलो। इसका मतलब ये हुआ, अब ये नेक्स्ट जो एस की क्यूब वाला कोफिशेंट आपका होगा, ये एस की क्यूब वाला जो है, इसमें हम जो आपका फर्स्ट 0 होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, हाँ जी 32 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 32, नेक्स्ट 96 आप एस का हो जाएगा भाई, 96। ठीक हुआ, अब इसका यूज करके हम फर्दर आपके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है जी, बोलो ओके हो गया यहाँ तक बोलो। ठीक है जी, चलिए तो अब मुझे ये वाला फैक्टर निकालना है, एस की स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भाई, बस घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको ये माइन डिवाइड बाई 32। ठीक है, तो क्या करेंगे राजे, 32 × 48 -8 × 96 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 32। ओके हो गया भाई यहाँ तक बोलो, क्लियर है भाई पॉइंट, हाँ जी ओके है। चलिए तो इसको सॉल्व करोगे जल्दी से, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करोगे 32 × 48 -8 × 96, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई कर देंगे 32 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 24, यहाँ पे 24 आएगा। नेक्स्ट जब हम इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे राजे, नीचे 0 है तो जस्ट ऊपर वाला हम लिख देंगे, ईजी है, शॉर्टकट है राजे। चलिए ऐसे हम निकालेंगे s की पावर 1 का फैक्टर, वो कैसे निकलेगा, 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई, -32 × 200 डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो करो जल्दी से फटाफट सॉल्व, 96 × 24 माइनस कर देंगे 32 × 200। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, बोलो जी 24 के साथ। ठीक है, तो 100 -170.66 आ रहा है। ठीक है, ओके हो जाएगा, इसके बाद वाले तो भाई आपके 0 है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास बचा है s की पावर 0। ठीक है, तो s की पावर 0 के क्या क्या निकलेगा भाई, ऐसे करेंगे माइनस ऐसे करेंगे, 0 आ गया तो जस्ट ऊपर वाला लिख दो, ये भाई आपका रूट एरे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, फिर मैं इसको, ये जो एरो आपने लगा रखी है इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, देखो भाई जल्दी से नोट डाउन करिए, पॉज द वीडियो और लिखिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आई होप आपने लिख लिया होगा भाई। ठीक है, इस एरो को मैं हटा देता हूँ क्योंकि फर्दर मुझे और इसके अंदर डिस्कशन करनी है भाई। चलिए तो ये मेरे पास भाई आर ऑफ जेड आ गया था, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। चलिए अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसके अंदर हमें ये बताना था कि लेफ्ट हैंड साइड पे पोल कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ, फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास क्या आ रहा है बोलो जी, फर्स्ट
फर्स्ट कॉलम के अंदर भाई आपके पास साइन चेंजेस क्या आ रहे हैं आपके पास, देखो इसका साइन है पॉजिटिव, मैं साथ साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगले का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, अगले का साइन नेगेटिव, अगले का साइन देखो पॉजिटिव 8 का, ठीक है, और आगे प्लस का है 32, पॉजिटिव है, अगले का साइन क्या है पॉजिटिव है, 24 के बाद -7 170 का नेगेटिव है, फिर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए नंबर ऑफ साइन चेंजेस हम कैसे देखते हैं, ठीक है। चलिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई भी साइन चेंजेस नहीं है, जो रेड वाले के साथ होगा राजे वहाँ पे साइन चेंजेस होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से, सबसे पहले ये मेरे पास ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई भी साइन चेंज नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया साइन चेंज है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया ये पहला साइन चेंज, ये दूसरा साइन चेंज, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई भी साइन चेंज नहीं है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई भी साइन चेंज नहीं है, अगेन फिर जो रेड वाला है पॉजिटिव से जी, ये देखिए पॉजिटिव से जी नेगेटिव हो रहा है, मीन्स तीसरा साइन चेंज आ गया, फिर आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ये आपके पास चौथा साइन चेंज आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने आ रहे जी, बोलो जी 4 है, और यही मुझे क्या बताएंगे नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स। ओके हो गया भाई, तो नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल मुझे पता चल गए, और आपको ये भी पता है टोटल पोल्स किसके इक्वल है भाई, टोटल पोल्स आपके पास 7 है, ठीक है, उसमें से 4 के आपके राइट हैंड साइड पे है, पीछे कितने बच के 3, 3 में से आपके जी ओमेगा एक्सेस पे भी हो सकते हैं राजे, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल पोल्स की बात करूँ, टोटल जो पोल्स होते हैं राजे वो इक्वल टू किसके होंगे, ये आप ऑलरेडी नोट कर लेना भाई, आपको पता भी होगा, वैसे मैं इन जनरल बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता वो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल जो पोल होंगे राजे वो होंगे नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पोल प्लस नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल प्लस नंबर ऑफ पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सेस, ठीक है। चलिए तो जे ओमेगा एक्सेस के ऊपर जो पोल होते हैं ना जी वो कौन बताता है हमें, ऑलवेज बताएगा इफ वो एग्जिस्ट करेंगे, नंबर ऑफ पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सेस एग्जिस्ट ओनली इफ आर ओ जेड इज प्रेजेंट, आर ओ जेड भाई इसके इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके पोल जे ओमेगा एक्सेस के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेंगे, आर ऑफ जेड के ऊपर जो आपने एक्सिलरी इक्वेशन निकाली है ए ऑफ एस एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, ये क्या होती है जस्ट अबव द आर ओ जेड, ठीक है, ये आर ओ जेड के जस्ट ऊपर होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस चीज को आप नोट कर लीजिए, आप वैसे भी एक्सिलरी इक्वेशन के साथ जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखी थी आप सॉल्व कर लेते थे, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, इसको आप भाई फर्दर पिछले नोट्स में अपने ऐड कर लेना, ठीक है, जहाँ पे हम आर ओ जेड के रूल्स बता रहे थे ना आपको, उसके अंदर ये पॉइंट भाई ऐड कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सेस मीन्स जी ओमेगा एक्सेस, वो आपके पास होते हैं राजी ऑर्डर ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन, जो आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन आई होगी उसमें से माइनस कर देना है 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो, हाँ जी एक्सिलरी इक्वेशन जो ए ऑफ एस आपके पास निकाली है ना, उसके नीचे कितने साइन चेंजेस है वो माइनस कर देना, ठीक है। तो फिर आपको एक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर समय बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन आप इन जनरल जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो अभी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो ऑर्डर ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ भाई आपके पास, ये देखिए ऑर्डर ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन कितना भाई बोलो 4 है, ये है 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सेस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन -2 × नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो द एक्सिलरी इक्वेशन। तो आप देख सकते हो भाई ये मेरे पास s की पावर 4 वाली जो इक्वेशन है राजी, ये एक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है, इसके नीचे देखो कितने साइन चेंजेस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ठीक है,
तो इसके अंदर कितने साइन चेंजेज है भाई, दो साइन आपके पास चेंजेज है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 तो 4 − 4 0, इसका मतलब इसका कोई भी पोल जी ओमेगा एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अदरवाइज आपने वेरीफाई अगर इसको करना है तो ये आपके पास एक्सोरी इक्वेशन आ रहा जी, 8s^4 + 48s^2 + 200, ठीक है। तो s^4 को हम आपको बोला था, s^2 को आप s पुट कर दो, ठीक है, या फिर आप कोई और वेरिएबल भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 8s^2 + 48s + 200, ठीक है, या आपको कोई और वेरिएबल p पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8p^2 = 48p = 0। इसके रूट निकाल लेंगे, रूट कैसे निकलते हैं राजी, -b + -b² - 4a × c, ठीक है, इसका रूट हो जाता है ÷ 2 × a कितना 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, फिर आपके पास s² की फॉर्म में बच जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर उसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जब आप पोल देखोगे ना, पोल आपके जी ओमेगा एक्सिस पे कोई भी पोल नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बिल्कुल लास्ट पे जाऊँ, इसका मतलब ये जो आपके पास इक्वेशन बताया था टोटल नंबर ऑफ पोल्स का, ठीक है, इसमें से कोई भी पोल आपका जी ओमेगा एक्सिस पे नहीं है, इसका मतलब पोल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू टोटल पोल 7 है, उसमें से माइनस कर देंगे राइट हैंड पोल, राइट हैंड पोल है 4, जी ओमेगा एक्सिस पे पोल कितने हैं 0, तो मेरे पास आंसर कितना बचेगा 3। इसका मतलब टोटल पोल ऑन लेफ्ट हैंड साइड कितने आएंगे राजी, बोलो जी, 3 आएंगे, ठीक है। तो ये भाई आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप नोट कर लें, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था लेकिन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो कंसेप्ट आपको बताया गया जस्ट उसी के साथ ही आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए भाई, फॉर द फॉलोइंग सिस्टम इट इज डिजायर दैट सिस्टम बी स्टेबल, सिस्टम आपका स्टेबल होना चाहिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर दिस कंडीशन इज, चलिए तो आपको पता है फॉर RH क्राइटेरिया आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपने आपके जो RH टेबल है उसमें प्लॉट करना है राजी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो फीडबैक जो है वो यूनिटी है, इसका मतलब J ही मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, मीन जी ऑफ एस की जो वैल्यू होगी, इसका मतलब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 + GSHS, तो s+α/(SQ+1+α)²+(α-1)(S+1−α) इक्वल टू क्या कर देंगे राजे, 0 कर देंगे, ठीक है। चलिए आप मुझे एक चीज बताइए, हम इसका जो आपके पास फैक्टर है इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम देखो ले लो, तो यहाँ पे 1 लेके एलसीएम मेरे पास ये नीचे वाला फैक्टर ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन को मैं पूरा करता हूँ, अदरवाइज तो मैं इसको शॉर्ट में करूँगा राजी। चलिए ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम फैक्टर आपके पास, s³ + 1+α² + α-1 × s+1−α, ठीक है, प्लस ये फैक्टर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है भाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये नीचे वाला फैक्टर सारे का सारा इधर जाके क्या हो जाएगा, बोलो जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसको 0 कर दीजिए भाई, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ भाई, इस फैक्टर को उधर जाके हम 0 कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। ओके ओके, चलो यहाँ पे एस है, यहाँ पे α-1s है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये α-1 है और ये 1 है, दोनों में s कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, α s, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे राजे, यहाँ पे बचेगा α s, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास ये -α, ये +α, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो सिर्फ ये वाली इक्वेशन यहाँ पे बच जाएगी, ओके हुआ। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में करना भाई इसको सॉल्व, ठीक है। चलिए तो अब हम बनाएंगे इसका रूथ एरे और रूथ टेबल, ठीक है। तो s³ वाले पहले लिखो भाई 1α, फिर s² वाले लिखो भाई 1+α × 1, ठीक है। तो s³ कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस, तो α(1+α−1)÷ 1+α, यहाँ पे आ जाएगा 0, और s³ कैसे निकलेगा राजी, बोलो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस, अगर 0 आ गया तो जस्ट ऊपर वाला आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ओके, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल
सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ऑल टर्म्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ आर एच टेबल मस्ट बी, सभी पॉजिटिव है ना जी, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या, मोर देन जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे वन की बात करूँ, ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब वन प्लस अल्फा क्या होना चाहिए राजी, वन प्लस अल्फा इज मोर देन जीरो। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। फिर आपके पास ये नीचे वाला फैक्टर बचा है राजी, इसका भी हम निकाल लेंगे, मीन्स अल्फा वन प्लस अल्फा -1 डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा पॉजिटिव मीन्स मोर देन जीरो। ये नीचे वाला तो इधर जाके जीरो हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1 इज मोर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे राजे, तो सेम फैक्टर माइनस बी, बी का कोफिशिएंट 1 है, ए का कोफिशिएंट 1 है, सी का कोफिशिएंट -1 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a × c, इसका √ डिवाइड बाई 2 × a, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस, हाँ जी, ये क्या बचेगा, √5/2, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, जल्दी से करो सॉल्व। तो अल्फा हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक बार माइनस का लिखो, एक बार प्लस का लिखेंगे, तो -1 प्लस √5 डिवाइड बाय हम कर देंगे 2, -1 माइनस √5 बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से यहाँ तक नोट करिए भाई, लिखा तो अल्फा की वैल्यूज बताओ भाई क्या क्या आ रही है। तो यहाँ से अल्फा मेरे पास आ जाएगा, बोलो जी, -1 प्लस √5, जो भी आंसर आएगा इसको हम डिवाइड बाई कर देंगे 2, तो यहाँ पे आ गया 0.618। और इधर अल्फा सी वैल्यू कितनी आएगी राजे, -1 माइनस √5, जो भी आंसर आएगा इसको डिवाइड बाई हम कर देंगे 2, तो -1.618, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे साइन आपका ग्रेटर देन जीरो था, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा मोर देन 0.618, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा -1.618, ठीक है। एक अल्फा आपका यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से भी निकल गया था, अल्फा इज मोर देन -1, ठीक है। तो सभी भाई आपके मोर देन है, इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, या तो लेस देन का कोई साइन होता, ठीक है। इसका मतलब तीनों में से कोई एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्फा एक तो -1 है, तो आप भाई कॉलम में इसकी वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पे मोर देन 1 है, अल्फा मोर देन 1, तो अल्फा इज मोर देन 1.6, कितना था, -1.618, एक अल्फा मोर देन 0.618 है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ, अल्फा मिनिमम अगर मैं फर्स्ट कंडीशन से देखूँ, तो अल्फा मिनिमम कितना आ जाएगा, -1। सेकेंड कंडीशन से देखें तो अल्फा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, -1.618, ठीक है। इसका मीनिंग समझिए, मोर देन का इसका मतलब है इसकी वैल्यू मोर देन -1, ठीक है। मिनिमम कितना होगा, -1 होगा, इसके बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी वो तो मोर देन -1 ही होंगी ना। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1, दूसरी कंडीशन पे -1.618, तीसरे केस में अल्फा मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0.618, ठीक है। तो अब हम इसकी तीनों की वैल्यू आपकी इस कंडीशन में, आपके ये और ये इसमें पुट करके देखेंगे, अगर साइन मेरा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बाकी हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अल्फा -1 पुट करके देखते हैं भाई, इसमें अल्फा -1 पुट करो ये तो जीरो आ जाएगा, पॉजिटिव है कोई बात नहीं है, इसमें -1 रखिए, ये 1 प्लस, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, 1 -1, -1/(1 -1) ऐसे ही बच जाएगा भाई, इसका मतलब ये तो जीरो हो जाएगा, पूरे का पूरा जीरो, नीचे आपके पास हो जाएगा जीरो, मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, -∞, मीन्स आपका साइन क्या हो गया राजी, चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब हम इस कंडीशन को नहीं लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं अभी, अल्फा -1 पॉइंट समथिंग जब आप इसमें पुट करोगे ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब ये भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको आप पुट करके देखना भाई, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अल्फा मिनिमम की जो वैल्यू है दैट इज 0.618, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो उसमें से डरना नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपका जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम, उसमें वैल्यूज रख के देख लो, अगर सभी कंडीशन आपकी जैसे ये आ रही है ना, मोर देन समथिंग,
अगर मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू मोर देन टू, अल्फा इज इक्वल टू मोर देन थ्री, ठीक है, तो इसमें से कौन सा हम एक रखेंगे, वो एक ही चीज़ हो सकती है, वो हमें उस इक्वेशन में पुट करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है जी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थ्री रीड करते हैं भाई। द लूप गेन, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए भाई, द लूप गेन जी एस एच एस ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन बाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। सिस्टम अनस्टेबल होने के लिए आपके पास के की वैल्यू क्या होगी, ये आपने भाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए तो लूप गेन आपको गिवन है भाई क्लोज लूप सिस्टम का, मीन्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, जी एस एच एस दैट इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एस प्लस टू एस प्लस फोर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वन प्लस जी एस एच एस इसको इक्वल टू जीरो रख देंगे, ठीक है। तो वन प्लस के डिवाइड बाई एस एस प्लस टू एस प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेम चीज़ रहा जी, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम का डिनोमिनेटर उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास एस प्लस टू एस प्लस फोर प्लस के इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, एस स्क्वायर प्लस टू एस नेक्स्ट एस प्लस फोर प्लस के इक्वल टू जीरो, फर्दर और सॉल्व करिए भाई, तो ये बचेगा एस की पावर क्यू प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर मीन्स सिक्स एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस के इक्वल टू जीरो, ठीक है। मेरे ख्याल से तो यही बनना चाहिए भाई, बाकी आप चेक कर लीजिए, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आर एच क्राइटीरिया, एस क्यूब एस स्क्वायर एस की पावर वन एस की पावर जीरो, ठीक है। एस क्यूब का कोएफिशिएंट वन है, एस का एट है, ये सिक्स है जी, के है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 48 माइनस के डिवाइड बाई सिक्स जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, समझे मेरी बात। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई यहाँ तक हमें बताइए। हाँ जी लिखा, चलिए तो अब कंडीशन क्या है आपके पास कि सिस्टम आपका अनस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। स्टेबल के केस में अगर इफ सिस्टम टू बी स्टेबल, स्टेबल के केस में हम लिखते हैं 48 माइनस के डिवाइड बाय 6, वो क्या हो जाता है, मोर देन जीरो, मीन्स पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन सिस्टम अनस्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब हम अनस्टेबल के लिए हम क्या कर देंगे, आपका साइन अगर चेंज हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, इसका मतलब 48 माइनस के इज लेस देन जीरो, के आपका इधर चला जाएगा, तो देखो क्या होगा, 48 के, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोर देन 48, एक कंडीशन यहाँ से मिल गई, और दूसरी कंडीशन मेरी यहाँ पे आ जाएगी। अगर स्टेबल होता तो मोर देन लिखते, लेकिन हमें बोला है सिस्टम अनस्टेबल, इसका मतलब यहाँ पे जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यूज क्या आ गई, वैल्यूज क्या आ गई आपके पास राजी, के आपका मोर देन 48 और लेस देन जीरो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपने, ये पूछा है कि आपके पास द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। तो इसका मतलब के की वैल्यू अगर मैं 48 रखूँ, जहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इफ के इज 48, तो मेरे पास सिस्टम क्या हो जाएगा राजे, अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। चलिए तो इस टाइप के भी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, करिए इसको नोट, लिखा जी। चलिए तो फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन और देखते हैं भाई। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन है, द फीडबैक सिस्टम शोन बिलो ऑसिलेट एट 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑसिलेशन भाई कैसे निकालते हैं जी, ऑलरेडी आप जानते हो, पिछले हम लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखी थी बेस्ड ऑन आर एच क्राइटेरिया, राइट। चलिए तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको गिवन है, उसकी हेल्प से आपने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एंड ए, ठीक है, के और ए आपकी ऑप्शन गिवन है राजे, वो वैल्यूज आपने निकालनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है राजे, आर एच क्राइटेरिया यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर ये देखो जी, होता है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, कब हम बोलेंगे, जब फीडबैक पाथ का जो गेन है वो 1 हो, यूनिटी फीडबैक अगर कनेक्टेड है उस केस में हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो जी ऑफ एस आपको गिवन है राजे, तो जो जो चीज गिवन है आपको पहले वो लिखो, के एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस क्यू प्लस ए एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस 1, ये चीज ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम इसका क्लोज लूप सॉरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। एच एस की वैल्यू 1 है, इसको लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो 1 प्लस के एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस क्यू प्लस ए एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो, ठीक है।
तो भाई आपको पता है ये नीचे वाला पार्ट आपका एलसीएम आएगा और इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आप जो डिनोमिनेटर होगा उधर जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एस क्यू प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s+1 प्लस, इसको हम खोल के लिख रहे हैं भाई, के एस प्लस के इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जो एस वाली टर्म है इसको कॉमन लेके एस की फॉर्म में लिख लो भाई। तो ए एस स्क्वायर प्लस 2+k एस प्लस, पीछे आपका 1+k रह जाएगा, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना है, ये आपका सीक्वेंस वाइज होना चाहिए राजे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। एस की पावर 3 के बाद 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसको स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ पे लिख दो और एस वाली टर्म को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो उसके साथ आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिकली फॉर्म में आ गया। अब हम इसका बना ड्रॉ कर देंगे आर एच टेबल, ठीक है। तो क्या होगा भाई, एस क्यूब एस स्क्वायर एस की पावर 1 एस 0, ठीक है। तो ये 1 है, आगे 2+k आएगा, नीचे a है और यहाँ पे 1+k आएगा, ठीक है। ये फैक्टर कैसे निकलेगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस दिस डिवाइड बाई a, ठीक है। तो आ जाएगा 2+k इंटू ए माइनस 1+k डिवाइड बाई कितना राजी, a, ओके हुआ। आगे है 0, इसका मतलब अगर ये, अब मैं ये वाला फैक्टर निकालना है, ये नीचे वाला, ये कैसे निकलेगा, इसकी इसके साथ, लेकिन नीचे 0 है, अगर 0 हो तो डायरेक्टली हम 1+k, ठीक है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है राजे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम निकालते हैं ऑलवेज एक्जुलरी इक्वेशन से, ठीक है। एक्जुलरी इक्वेशन क्या होती है, आर ऑफ जेड के जस्ट ऊपर वाली जो रो होती है उसको हम बोलते हैं राजे एक्जुलरी इक्वेशन। तो आर ऑफ जेड कहाँ से निकलेगा, ये देखिए यहाँ पे 0 है, इसका मतलब इस सारी फैक्टर को हम क्या बना देंगे राजे, 0 बना देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आर ऑफ जेड, ये आर ऑफ जेड है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक्जुलरी इक्वेशन। तो एक्जुलरी इक्वेशन में आर ऑफ जेड वाली कंडीशन से के निकालो, उसको यहाँ पे रखो, और जो एस की वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। और जो आर ऑफ जेड होती है राजी, आप बोलोगे सर के की जगह पे -1 रख दें, क्योंकि यहाँ पे भी 0 होता है ना, तो ये भी मेरे पास आर ऑफ जेड बन जाएगा। लेकिन आर ऑफ जेड आपने जो लास्ट वाली रो है राजी, इसके बिना जो बाकी जितनी भी ऊपर रो हैं उसमें से एक सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। और जो ऑलवेज आपने सेलेक्ट करनी होती है राजे, वो ऑड ऑर्डर ऑफ एस वाली रो को ही आपने क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा देखने सार, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम इक्वल टू क्या कर देंगे राजे, 0, वहां से हमें वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर हम इसका यूज करेंगे आपके एक्जुलरी इक्वेशन का, तो मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा मार्जिनल आपके पास कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2 रेडियन पर सेकेंड, राइट। चलिए 2k इंटू a माइनस 1+k डिवाइड बाई a इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, ठीक है। तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी राजे, 1+k डिवाइड बाई 2+k। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम एक्जुलरी इक्वेशन, तो एक्जुलरी इक्वेशन क्या है भाई, एस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए एस स्क्वायर प्लस 1+k बराबर है 0। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, एस स्क्वायर इक्वल टू -1+k डिवाइड बाई ए, ठीक है। ये बजेगा तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1+k डिवाइड बाई ए, इसका क्या कर देंगे राजे, अनरूट, ठीक है। तो इसका मतलब एस की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, ±1 का जे हो जाएगा, 1+k बाई ए इसका अनरूट, ओके। जे हो जाएगा भाई, बोलो फटाफट, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन गिवन है राजे, जे ऑफ ओमेगा मीन जे ऑफ 2, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, 1+k डिवाइड बाई ए का अनरूट, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1+k डिवाइड बाई ए दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ए की वैल्यू पुट कर दो भाई, ए की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से जो निकाल रखी है वो हम पुट कर देते हैं भाई, 1+k। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो और ए की वैल्यू वहां से लेके यहाँ पे रख दो, 2+k मार्जिनल। तो 1+k 1+k कैंसिल हो जाएगा, तो 2+k इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो ऑप्शन है जिसमें k 2 हो भाई, तो मेरे पास एक इसका मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ए इसमें भी 2 है और इसमें भी k आपका 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे राजे, ए ए आपकी इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेंगे, फ्रॉम 1
इज इक्वल टू 1 प्लस के डिवाइड बाई 2 प्लस के। तो 1 प्लस के की वैल्यू कितनी है, 2, 2 प्लस 2, तो ए आ गया आपके पास 3/4। 3/4 कितना होता है भाई, 0.75। ठीक है, तो 0.75 किस में है भाई, आपके ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। हाँ जी, समझ में आए भाई पॉइंट? ठीक है, तो जल्दी से भाई इसको नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्लोज लूप सिस्टम हैज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए राजे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय SQ+KS2+K+2S+3=0 फॉर दिस सिस्टम टू बी स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए भाई आपने कंडीशन निकालनी है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ऑलरेडी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हम क्या ड्रॉ कर लेंगे इसका, आर एच टेबल। तो SQ, S² S की पावर 1, S की पावर 0। ठीक हुआ, चलिए एस क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1। इसके बाद एस का देखेंगे, K+2 है, नेक्स्ट के है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो जे वाला फैक्टर कैसे निकालेंगे राजे, इसको K×K+2 -3/K। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, K×K+2 -3/K, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर ये 0 है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, राइट। चलिए, तो K की सिस्टम टू बी स्टेबल के लिए K की क्या कंडीशन आएगी, 4। सिस्टम टू बी स्टेबल, हाँ जी, क्या कंडीशन आएगी, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ आर एच टेबल मस्ट बी सेम साइन। अभी ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, मोर देन 0, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट यहाँ से मेरे पास आ जाएगा के मस्ट बी इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन आ गई। दूसरी ये वाली, K+2-3/K मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो K ये नीचे वाला तो जाके 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा K²+2K-3 is more than 0। तो यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेते हैं राजी। तो K की वैल्यू कितनी आएगी, -B+-B² -4AC×-3। इसका क्या कर देंगे राजी, √2A। A की वैल्यू है 1, तो -2+-4+12√2। ठीक है, तो इसका मतलब K की अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो K की वैल्यूज क्या आ रही है राजी, -2, ये 16 बन जाएगा और 16 का √4, तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। तो -2+4/2 -2 -4/2, तो बताओ कितना आ रहा है भाई, एक तो 1 आ जाएगा, -6/2 -3 आ जाएगा। ठीक है, तो K की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ से K की वैल्यू 2 आ जाएंगी। एक तो K is more than 1, एक K is more than -3। ठीक है, तो हमने वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे बात की थी। अब ये दोनों मोर देन 1 नहीं हो सकते, ठीक है, इसमें से कोई ना कोई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो वही कौन सा सेलेक्ट करें, यहाँ पे K की वैल्यू एक आ रही है मोर देन 0, ये K is more than 1, K is more than -3। ठीक है, तीनों में से कोई एक वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेगी। हाँ जी, देखें अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन आपकी नहीं है और -3 से भी नहीं है, तो ऑप्शन आपकी कौन सी है राजी, K is more than 1। ठीक है, तो अदरवाइज आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, देख भी सकते हो आपके पास क्या होगा। ठीक है, अगर K की वैल्यू मैं 0 रखूँ, है ना, इसमें K की जगह पे 0 रखो, 0 पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें K की जगह पे 0 रखो, 0, 0+2 -3/0। ठीक है, तो ये ऊपर बचेगा 0 ही हो गया, ये तो माइनस इन्फिनिटी हो गया ना, साइन चेंज हो गया, इसलिए इसको हम नहीं रखेंगे। ठीक है, के मोर देन 1 आपका वैलिड है। अगर के की वैल्यू मैं -3 रखता हूँ सपोज, है ना, तो यहाँ पे -3 रखो तो साइन आपका बदल जाएगा के की जगह पे। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा आएगा राजी, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, फ्रॉम कंडीशन 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आपके पास के जो होगा दैट इज मोर देन 1। ओके हुआ भाई, बोलो सही है भाई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन S की पावर 4+S² +1=0 ऑन कम्प्लेक्स प्लेन।
ठीक है, चलिए तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ना जी। एस की पावर 4 है प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसके रूट्स निकाल देते हैं ना जी। आपके पास प्योरली आपके पास क्या रहा जी, इवन पावर्स है, ठीक है। अगर इवन पावर्स होती हैं तो आपको हमने रूल क्या बताया था, इसके पोल कहाँ पे लाई करेंगे, इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर लो ना जी क्या होंगे, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, मान लीजिए एस स्क्वायर को हम कोई अनदर वेरिएबल पी से रिप्लेस कर दें, तो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो इसके रूट्स आ जाएंगे आपके पास, हाँ जी आ जाएंगे। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो भाई, इसको आप ऐसे कर सकते हो, एस की पावर 4 0 एस की पावर 3 प्लस 0 सॉरी गिवन एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 0 एस प्लस 1, इसका आर एच क्राइटेरिया यूज कर दो बस। एस की पावर 4 एस क्यूब एस स्क्वायर एस की पावर 0, ठीक है। तो रूट्स क्या आएंगे, 1 1 1, ये है 0, नीचे है 0 0, ठीक है। तो ये आर ऑफ जेड हो जाएगी राजी, ठीक है। ये आर ऑफ जेड आ जाएगा आपके पास, ये ऊपर वाली एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 ए ऑफ एस, ठीक है। इसके हम रूट्स निकाल लेंगे, डी ए एस डिवाइड बाई डी ऑफ एस, तो क्या आ जाएगा, 4 एस क्यूब प्लस 2 एस, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे राजी, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन करो जल्दी से, कितने आएंगी, तो ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2/4 दैट इज 1/2। नेक्स्ट आपके पास 1 आ जाएगा क्योंकि 0 है, ठीक है। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे राजी, कितना आएगा बोलो जी, 2 1/2 × 2 1 माइनस 4 तो -3 डिवाइड बाय 1/2 तो -6 आ जाएगा राजी, ठीक है। आगे मेरे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई कंडीशन बनेगी, इसका मतलब ये क्या मेरे पास आर ऑफ जेड है, ठीक है, आर ऑफ जेड, ठीक है। और ये ऊपर वाली की आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल, हाँ जी नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितनी है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ फिर अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दो पोल तो इसके राइट हैंड साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सेस की बात करूं, वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन दैट इज 4 2 × नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो द, हाँ जी बिलो द एक्सिलरी इक्वेशन, वो भी 2 है, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब इसके टोटल 4 पोल हैं, उसमें से दो पोल आपके कहाँ पे लाई करेंगे, राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पोल कितने लाई करेंगे राजी, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 4 लेफ्ट हाफ प्लेन रॉन्ग है, 1 राइट हैंड पोल, 1 रूट एंड 2 रूट ऑन इमेजिनरी एक्सेस, ये भी गलत हो गया भाई, 2 राइट हैंड रूट एंड 2 लेफ्ट हैंड रूट, ठीक है। तो आपके पास इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जब आप हम इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसके साथ भी मेरा आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, -b + -b² - 4ac, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा राजे, देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास है एस स्क्वायर की जो पावर आ जाएगी दैट इज -1 + -j√3/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -0.5 + -j√3/2, ठीक है, जहाँ इसको 1/2 लिख दो, है ना, 1/2 लिख दो, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ बनेगी, ठीक है। चलो मैं अगर सिंप्लीफाई करने को बोल देती हूँ तो मैं बोल कर देता हूँ भाई, तो एस स्क्वायर, तो इसका मतलब एस स्क्वायर यहाँ पे आएगा इक्वल टू -1/2 + -√3/2, ये जे की फॉर्म में है ना, तो इसको हम ई की पावर में इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस जो जे साइन ऐसे लिखो दो ना, cos θ + j sin θ, ठीक है, उस फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। और cos 1/2 क्या होता है भाई, क्योंकि cos 0 1 होता है, इसका मतलब cos 60 मेरे पास cos 60 1/2 होता है, लेकिन हमें चाहिए माइनस, है ना। तो माइनस के लिए कितना करना पड़ेगा आपको, आई थिंक 2π/3, है ना, क्योंकि 120 करना पड़ेगा ना, 180, क्योंकि ये माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 180, ठीक है, 180 का मतलब 120 डिग्री हो जाएगा ना, 60 - 10, तो इसका मतलब इसको 2π/3 की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और साइन 2π/3 देख लो भाई कितना है, साइन 120 आपके पास
0.866 होता है कि नहीं होता, ये आप कैलकुलेटर पे रख के देखो भाई जल्दी से। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ भाई एक बार। तो sin 120, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है भाई। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, e की पावर j 2π/3। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं s की वैल्यूज निकालूँ राजे, तो s की वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी, s की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी e की पावर j 2π/3, और इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट का मतलब नीचे 2, तो j कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास बचेगा j π/2। ठीक है, ये प्लस माइनस j बन जाएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस, हाँ जी, इसको फिर हम उसी फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में भाई, ये आ जाएगा cos π/3 प्लस जे sin π/3। ओके, बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने इसका तो एक प्लस वाला फैक्टर लिखना है, एक अपने माइनस वाला लिखना है भाई, 2π/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है ना। ठीक है, उसी फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ, ये माइनस वाला छोड़ती है, ठीक है, इससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कॉस, हाँ जी, cos 60 डिग्री, cos 60 क्या होता है भाई जल्दी से बताओ फटाफट, 1/2 होता है, प्लस जे sin 60 क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके पोल जीरो प्लॉट की बात करूँ, तो एक पोल इसका कहाँ पे आ रहा है भाई, -1/2, -1/2 √3/2, एक आ रहा है भाई +1/2 √3/2। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई, एक पोल लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, एक पोल राइट हैंड साइड पे आ रहा है। ठीक है, दूसरे में भी यहाँ पे नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव का मतलब है जस्ट अपोजिट। ठीक है, जस्ट अपोजिट आपके पास बन जाएगा, तो आप देख सकते हो भाई, दो पोल आपके राइट हैंड साइड पे और दो पोल आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, लेकिन ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो प्रोसीजर आपको जस्ट बताया गया है। ठीक है, ये तो मैं जस्ट आपको कंफर्म करने के लिए बताया हूँ भाई। ठीक है, अदरवाइज तो आपने कैसे करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइन चेंजेस आपको बता देंगे, आपके राइट हैंड साइड पे पोल कितने हैं। ठीक है, और जो आपके पास इक्वेशन है जे वाला, नंबर ऑफ पोल ऑन जी ओमेगा एक्स, जे फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, उसका यूज करके हमें जी ओमेगा एक्स पे मिल जाएंगे। फिर टोटल पोल में से राइट हैंड पोल माइनस कर दो, जी ओमेगा एक्स के माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने पोल है वो आ जाएंगे। ठीक है जी, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं, 7th क्वेश्चन। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ LTI सिस्टम इज गिवन बाय, ये ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन है जी, द नंबर ऑफ जीरोज इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन इज, तो नंबर ऑफ जीरोज पूछी है कि राइट हाफ पे कितनी होगी। ठीक है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन राजी, उसका इसका मतलब ये न्यूमिनेटर है, ये है ना ट्रांसफर फंक्शन, इसका एक न्यूमिनेटर होगा, एक इसका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट पोल्स। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को मैं RH क्राइटेरिया में रख दूं, ये मुझे देगा इंफॉर्मेशन अबाउट द जीरोज, इंफॉर्मेशन अबाउट जीरोज। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम सिर्फ इसके साथ पोल की के बारे में बता सकते हैं, जीरोज के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो RH क्राइटेरिया यूज करेंगे, s की पावर 4, s³, s² s की पावर 1, s की पावर 0। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट कॉफिशिएंट लिखो भाई, पहले हम क्या लिखेंगे, हाँ जी, पहले हम लिखेंगे s² का कॉफिशिएंट इसके अंदर मिसिंग है भाई, तो उसको पहले ऐड करो भाई, 0s² प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉफिशिएंट 2 है, फिर 0 है, फिर -2 है, राइट, फिर हमारे पास क्या -5 है, फिर कितना है 5 है, ये 0 है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये वाला फैक्टर निकालते हैं राजी, -5 × 0 0, -10/-5, तो -10/-5 दैट इज 2। नेक्स्ट -5, नीचे 0 है तो जस्ट -2 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये वाला फैक्टर निकालो भाई, कितना आएगा, 10 -10। ठीक है, नेगेटिव में नेगेटिव 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राजी, आपके पास 0, तो नेक्स्ट क्या है, 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी राजी, आर ऑफ जेड आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी आर ऑफ जेड। इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एक्सिलरी इक्वेशन ए ऑफ एस, तो ए ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, बोलो फटाफट, 2s² - 2, तो इसका डेरिवेटिव निकालो फटाफट, कितना होगा, 4s। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कर दीजिए भाई, क्योंकि
इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, माइनस टू सॉरी, ठीक है। तो इसके अंदर साइन चेंज देख लेना जी, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइन चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव दो साइन चेंज, पॉजिटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हो गया तीसरा साइन चेंज, ठीक है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं भाई, नंबर ऑफ साइन चेंजेस दैट इज इक्वल टू थ्री, यही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भाई आपके पास जीरोज होंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जे ओमेगा एक्सेस के ऊपर कितनी जीरोज हैं, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, बोलो जी, ऑर्डर ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन दैट इज 2 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो द, हाँ जी, बिलो द एक्सिलरी इक्वेशन वो 1 है, ठीक है। तो 2 माइनस 2 0, इसका मतलब ये हुआ जे ओमेगा एक्सेस पे कोई भी पोल नहीं है, तो टोटल आपका ऑर्डर कितना था इसका, 4 था भाई, 4 में से 3 पोल आपके राइट हैंड साइड पे जीरो, सॉरी, एक था मतलब एक जीरो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट हाफ पे पूछा था, इसका आंसर कितना आ जाएगा राजे, 3। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 8, द फॉरवर्ड पास ट्रांसफर फंक्शन, फॉरवर्ड पास ट्रांसफर फंक्शन मीन जी एस गिवन है ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ये आपके पास गिवन है, द वैल्यू ऑफ के विच विल प्लेस बोथ द पोल ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम एट द सेम लोकेशन, सेम लोकेशन आने के लिए आपके पास आपके के की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे राजे, तो 1 प्लस k/s+1 s+2 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट केस में एलसीएम लेंगे तो s+1 s+2 + k = 0, ठीक है। तो क्या बनेगा, s² + 2s + s3s + 2 + k = 0, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, आर एच क्राइटेरिया, ठीक है। आर एच की तो जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ पे हम डायरेक्टली आर एच के साथ भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम अगर सेम लोकेशन पे पोल आ रहे हैं, इसका मतलब जीटा की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, सेम लोकेशन पे पोल कब आते हैं, जब जीटा इक्वल टू क्या होता है राजे, 1 होता है, ठीक है। देखिए कैसे, जब जीटा इक्वल टू 0 होता है तो जे ओमेगा एक्सिस पे पोल आते हैं, अनडैम्प्ड सिस्टम, जब जीटा इक्वल टू <1 होता है तो पोल मेरे यहाँ पे लाई करते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आते हैं। अगर सेम लोकेशन की बात करूँ तो जीटा इक्वल टू 1 आता है, अगर जीटा मोर देन 1 है तो अपोजिट और नेगेटिव रियल एक्सिस भी आते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पोल जीरो डायग्राम होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं दोनों मेथड से कर देता हूँ, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, s² 2 ζ ω n s + ω n² ठीक है, यही था भाई। इसका मतलब 2 ζ ω n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है, और ओमेगा के की वैल्यू क्या है, ω n² है, ठीक है, या ω n क्या है, √k है, ठीक है। चलिए तो 2 × ζ की वैल्यू 1 होगी, ओमेगा की वैल्यू √k हो गया, दैट इज इक्वल टू 3, तो √k की वैल्यू कितनी आ गई राजे, 3/2, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4, ठीक है। ऑप्शन गिवन है क्या आपके पास, ऑप्शन नहीं गिवन, ठीक है, इसका मतलब 9/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9/4 कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 2.25, ओके। दूसरा मेथड क्या था, ये मेथड नंबर 1 हो गया राजे। दूसरा मेथड ये था, आप इसके रूट्स निकाल दो, रूट्स निकालेंगे क्या आएगा, -b, बोलो जी, -b मीन्स -3 + -3² -4 × ac / 2, यही करते हैं ना हम। तो सेम लोकेशन पे आने के लिए, सेम लोकेशन में आने के लिए आपका ये जो वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को जीरो कर दो, ठीक है। तो -3 - 3 पे आ जाएंगे आपके रूट, इसका मतलब 9 - 4 2 + k√ = 0 कर दो, तो 9 - 4 2 + k = 0, तो क्या आ जाएगा, 9 = 8 + 4k, ठीक है, यही बनेगा ना उधर जाके, हाँ जी। तो 4k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो आंसर तो सेम आना चाहिए था भाई, यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, चेक करो भी आपने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है, लिखा तो भाई ठीक है आपने, 9 - b² 9 हो जाएगा भाई, -b + -9 - 4ac,
तो आंसर तो भाई इसके अकॉर्डिंग ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आपने गलती कर दी। जो मेथड नंबर वन है आपके पास, टू जीटा ओमेगा एन इक्वल टू थ्री, जीटा की वैल्यू वन पुट कर दी, ओमेगा एन आपके पास रूट थ्री आ जाएगा, तो 3/2 रूट के बचेगा, तो 9/4। आंसर तो भाई आपका सेम है, फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है इसको चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे पास पोल की इक्वेशन तो ऐसे ही आएगी, -b + -b² - 4ac, 8 + 4k, रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 - 8 बिल्कुल ओके है जी, तो 1/0.5, 0.25। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ भाई। हाँ जी, गलती चेक करने पे मुझे गलती पता चल गई है। जो आपका क्वेश्चन आ रहा जी, उस क्वेश्चन में आपके पास जो क्वेश्चन एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वो ये था, जी ऑफ एस आपके पास ये गिवन था राजी, k/s+2/s-1 था यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन के दोनों मेथड से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन के जो आपके रूट हैं वो कभी भी एक पोजीशन पे नहीं आएंगे। ठीक है, मीन्स इसके एक तो रूट नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन के अंदर आपके रूट्स इक्वल सेम लोकेशन पे लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब दोनों मेथड के साथ इसका आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। तो मेरे पास जो जी ऑफ एस गिवन था, मैं इसको हटाता नहीं है आपके वीडियो में से, इसको रखूंगा। ठीक है, तो आप देख लेना भाई। तो ये था s+2 s-1, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, s+2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, +k = 0। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, s² - s+2s, तो s बचेगा, -2 + k = 0, तो ये चीज़ बच जाएगी भी आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, s² + s+k - 2 = 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 2 ζ ω n की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा राजी, 1 आ जाएगा, और जो ओमेगा एन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, k - 2 का √। ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी। तो 2 × ζ की वैल्यू कितनी है राजी, जीटा की वैल्यू पुट करो जल्दी से फटाफट, जीटा की वैल्यू 1 होगी, फॉर द रूट टू बी लाई ऑन द सेम लोकेशन, ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा राजी, तो k - 2 = 1/4, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4 + 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 2.25। ठीक है, तो क्योंकि ये 2 होता है ये 0.25 होता है, तो 2.25 आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो आपने गलत क्वेश्चन सेलेक्ट किया था उसके अंदर भी k की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2.25। ठीक है, इसका अंदर रॉन्ग होने के बावजूद भी आपका आंसर सेम हो जाता। ठीक है, इसको लिखो भाई एक्चुअल क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं मेथड नंबर 2 के साथ। ठीक है, मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 आपका सेम होगा राजी। मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि आप जो आपके पास फॉर्मूला है नॉर्मल रूट निकालने का, उसके साथ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी 1 है, सी की वैल्यू कितनी है, k - 2। ठीक है, तो इसके रूट्स, एस की जो रूट्स आएंगे राजी वो कैसे आएंगे, b की वैल्यू 1 है, आगे प्लस माइनस, हाँ जी b का स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ राजी, -b + -b² - 4ac, इसका अनरूट डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेंगे, -b² - 4 × a × c, ठीक हुआ, इसका हम करेंगे अनरूट डिवाइड बाई कर देंगे 2। ठीक है, तो एस की वैल्यू देख लें भाई कितनी होगी, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, तो -1 + - हाँ जी 1 - 4k, -, क्या हो जाएगा, +8 डिवाइड बाई होल के डिवाइड बाई कितना होगा, 2 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो जी ऐसे ही कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे सर। चलिए नेक्स्ट, फिर रूट आपके लाई ऑन द सेम लोकेशन, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसको हम इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, तो 1 - ये कितना बचेगा, 4k - 8, इसका जो अंडर रूट होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे राजे, तो क्या बचेगा, 1 - 4k + 8 =
जीरो, तो के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी, 9/4। ठीक है, तो 9/4 2.25। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस केस में आपका जो आंसर है वो आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भाई आपका इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो दोनों में से किसी भी एक मेथड के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड नंबर वन जो आपने रॉन्ग क्वेश्चन किया था राजी, उसके अंदर आप देख लेना कि आपकी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। ठीक है, मेरे ख्याल से तो कोई भी इसके अंदर गड़बड़ नहीं है, जो आपने किया था वो सही ही किया था। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन जो आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ था वो आपका सोल्यूशन आपके पास ये रहेगा। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 9th रीड करिए भाई। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज, ये आपके पास गिवन है, द रेंज ऑफ के फॉर विच सिस्टम टू बी स्टेबल। तो रेंज ऑफ के निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो 1+k डिवाइड बाई s² + s+2 इंटू s+3 बराबर जीरो। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कर देते हैं भाई, मल्टीप्लाई भी मैं कर लेता हूँ, s³ + 2s × s+3 + k बराबर जीरो। ठीक है, तो करो सॉल्व भी, s की पावर 4, 4+3s² + s³। ठीक है, सॉरी, s की पावर 4+3s² + s³, तो 4s³ हो जाएगा, प्लस 3s² + 2s² मीन्स 5s² + 6s+k बराबर जीरो। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लेना राजी, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका आर एच टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आर एच टेबल भाई आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट लिखिए 1, 5, k, नेक्स्ट कितना है 4, 6। ठीक है, ये वाला निकालना है तो 4 × 5 = 20। ठीक है, 4 × 5 = 20 − 6, 20 − 6 = 14 डिवाइड बाई 4, तो 14 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा राजी, k आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फैक्टर निकालो, 6 × 7/2, तो ये 21 हो जाएगा, 21 − 4k डिवाइड बाई 7/2 जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, k आ जाएगा। ठीक है, तो फोर सिस्टम टू बी स्टेबल क्या होना चाहिए भाई, फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट पॉजिटिव होने चाहिए, इसका मतलब 21 / 4k / 7/2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो 21 must be greater than 4k, तो k की वैल्यू लेस देन क्या आ जाएगी, 21/4। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गया आपके पास, दूसरा कंडीशन आपके पास ये आ जाएगा k > 0। इसका मतलब अगर मैं k की रेंज की बात करूँ दोनों से, k मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 21/4। ठीक है, तो ये रेंज आपके पास आ जाएगी k की। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देख लो भाई क्या होगा, 0 से बड़ा लेकिन 21/4 से लेस। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन के अंदर तो ऐसी भाई कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब हम ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये देखो के 0 से बड़ा है लेकिन 21/4 से लेस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजे, ऑप्शन ए होगा। ठीक है जी, ओके हुआ जहां तक, बोलो जी। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस टॉपिक को करेंगे क्लोज। हाँ जी, 10th क्वेश्चन पढ़िए। अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज कैरेक्टराइज बाई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑसिलेट एट 2 रेडियन पर सेकेंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन भाई हमने किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, दैट इज x³ + ks² + 2s+1 + इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 2s+2 = 0। ओके, चलिए, तो s³ + ks² 2s और 2s, 4s 1 + 2 3 becomes 0। हाँ जी, s³ s² s की पावर 1 s की पावर 0। हाँ जी, इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं भाई, 1 4 k 3। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा, 4k - 3 / k, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर ऑफ जेड, आर ऑफ जेड आपकी लास्ट रो नहीं होनी चाहिए, तो ये मेरे पास r ऑफ z हो जाएगा, रो ऑफ 0 कब होगा, जब 4k - 3 / k = क्या आ जाए, 0, तो 4k - 3 = 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 3/4, इसको क्या बोलते हैं, k मार्जिनल।
ऊपर वाली क्या क्या होगी आपकी एक्सिलरी इक्वेशन होगी, तो एस स्क्वायर है मीन्स के एस स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो के मार्जिनल के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे राजी, ठीक है। तो एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 डिवाइड बाई के। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसका अंडरूट। तो इसका मतलब एस की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस J3/k। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना गिवन है राजी, 2 गिवन है, ठीक है। इसका मतलब 3/k के आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है 3/k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। ओके हुआ भाई। तो इस टाइप के भाई क्वेश्चन है, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सभी टाइप के इसके अंदर कवर कर लिए हैं भाई, ठीक है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रही है हमारे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।